हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनियम फॉर सक्सेस। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट पार्ट को। तो अगला जो पार्ट है, इसमें मैं आपको, अभी हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्रोट्रैक्टर। तो चलिए चलते हैं। प्रोट्रैक्टर यूज़ कहाँ होता है सर? प्रोट्रैक्टर इज़ यूज फॉर लाइंग आउट अ मेजरिंग एंगल। हमको पता है, हमने बचपन से यूज किया इस चीज़ को, कि प्रोट्रैक्टर जो होता है वो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप देख लो, तो सिंपल सी एक ही चीज़ प्रोटेक्टर के बारे में बस ध्यान रखना कि प्रोटेक्टर यूज़ होता है एंगल को मेजरमेंट करने में। ओके, आगे चलते हैं। अब स्केल, या फिर जिसको हम रूलर भी कहते हैं, तो स्केल के बारे में देख लीजिए। और जो स्केल है उसको और भी अच्छे तरीके से, स्केलिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, वो आर एफ फैक्टर क्या होता है स्केल के बारे में, वो एक अलग स्केल है सर, उसका मतलब कुछ और होता है। उसमें स्केल बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पर जो स्केल की बात कर रहे हैं वो इस स्केल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देखो, स्केल यूज़ इन ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का स्केल हमारे मार्केट में है, फिर 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उससे छोटा वाला भी मिलता है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड स्केल हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं वो क्या है? ये डायगोनल स्केल है। होता क्या है डायगोनल स्केल? डायगोनल स्केल से क्या चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम समझेंगे कि डायगोनल स्केल क्या होता है, ठीक है सर। तो चलिए, अभी स्केल के बारे में आपने देखा, तो स्केल से हम सब क्या करेंगे, ये काइंड ऑफ अवेलेबल जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में स्केल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें जो जो लाइन है उसकी लंबाई को मिलीमीटर में एजुअली हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंपास के बारे में। कंपास के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। जैसे जब भी हमें सर्कल ड्रॉ करना हो, ठीक है, जब भी हमें सर्कल ड्रॉ करना हो, इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल और आर्क, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी सर? कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल इंक हम दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने में। ये दो लेग्स इसमें होते हैं जिसको पाइवेटेड कहते हैं। एट अ टॉप देखिए, ये दो लेग है और ऊपर टॉप पे एक पाइवेटेड लगा हुआ है, ठीक है सर। अब समझिएगा, ये इक्विट होता है स्टील निडल। कहाँ क्या होता है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ बस। ये एक तरफ स्टील निडल लगा होता है, ठीक है, एक तरफ क्रोमियम स्टील, वही क्रोमियम, ये जो निडल होता है अभी बताऊँगा किससे बनता है। और अदर साइड देखिए, यहाँ पर एक स्क्रूब लगा होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ निडल लगा हुआ है, हम यहाँ पर पेंसिल भी अटैच कर लेते हैं, या पेन अटैच कर देते हैं, इंक अटैच कर देते हैं। तो सर सवाल पूछा गया ना कि ये किस मेटल से बना होता है, तो सर ये जो मेटल से बना होता है वो माइल्ड स्टील से बना होता है, और इसकी जो नीव है वो नीव किस चीज़ से बना होती है, तो ये क्रोमियम स्टील से बना होता है सर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कंपास से बस दो ही चीज़ें, तीन चीज़ समझ में आना है, कि कंपास जो ये जो पोर्शन है ये बना होता है माइल्ड स्टील से, इसका निडल जो होता है वो बना होता है क्रोमियम स्टील से। ओके, ये सर्कल बनाने में, आर्क बनाने में काम आता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसके काम के, आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ बिग कंपास हम कितने बड़ा डायमीटर का सर्कल खींच सकते हैं? तो सर विद द हेल्प ऑफ बिग कंपास वी कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 मिलीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलीमीटर तक का सर्कल हम बना सकते हैं। आप देखो, आपको ध्यान होगा, जब आपके टीचर आते थे, जब जब बोर्ड पे उनको सर्कल बनाना होता तो वो अलग से इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे, ठीक है, तो वो भी एक कंपास ही है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम जो कंपास यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उससे हम 50 मिलीमीटर का बड़ा डायमीटर बना सकते हैं, बड़ा डायमीटर का सर्कल बना सकते हैं। और जो छोटा वाला है स्मॉल कंपास, उसके मदद से हम 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का बना सकते हैं। इसमें मोर देन 50 मिलीमीटर है, बड़ा वाला मोर देन है, और 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच में हम छोटा वाला से बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ड्राइव डिवाइडर। सर डिवाइडर को अगर आप देखें ना, तो डिवाइडर कंपास की तरह होता है, लेकिन आप देखना कंपास में यहाँ एक तरफ निडल होता है और एक तरफ हम पेंसिल यूज़ करते हैं, पर ये जो डिवाइडर होता है ना, वो दोनों तरफ इसके निडल ही होते हैं, पेंसिल कहीं यूज़ होता नहीं, ठीक है। बेसिकली ये कितना लंबा है, क्या है, ये चीज़ नापने के लिए यूज़ होता है। तो यूज्ड चीपली फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डिस्टेंस एंड ओकेजनली फॉर डिवाइडिंग स्पेस इंटू इक्वल पार्ट्स। वही बोला कि ये कितना लंबा है, अगर इसको नापना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइडर से इस पॉइंट को नाप लोगे, और उसके बाद उसको लेके स्केल में मेजर कर लोगे कि अच्छा ये इतना लंबा है। और ओकेजनली फॉर डिवाइडिंग स्पेस, कितने पार्ट टाइप में डिवाइड करना है, ठीक है,
वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कर्व लाइन को और स्ट्रेट लाइन को इक्वल नंबर पार्ट्स में सर कैसे डिवाइड करते हैं ना, ये भी आपके सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन में, तो वो कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में मैंने वो बताऊंगा आपको कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के काम आता है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए कि ये इतना सेंटीमीटर है तो इतने ही सेंटीमीटर का, मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो इतने सेंटीमीटर का है, तो इसी इतना ही लंबा लाइन आपको यहाँ बनाना है, तो आप क्या करोगे इस प्रोटेक्टर की मदद से इसकी लंबाई नाप के आप यहाँ पर वो लंबाई क्रक की और ये लाइन खींच देना। तो सेम बिना स्केल के मेजरमेंट किए हुए इसका ट्रांसफर कर दिए इतनी ही लंबी लाइन यहाँ पर, ये भी हम डिवाइडर की मदद से करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ इरेगुलर कर्व दैट आर नॉट सर्कुलर आर्क। ये इरेगुलर कर्व होता है, सर्कुलर आर्क और इरेगुलर कर्व में फ़र्क क्या है, ये कर्व और सर्कुलर आर्क में क्या फ़र्क है? सर सर्कुलर आर्क का मतलब होता है अगर ये सर्कल है, ठीक है सर, और इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लो तो ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर आर्क। मतलब ये है सर्कुलर आर्क हम कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ये आर्क सर्कुलर है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर है, ओके। बट अगर आर्क इरेगुलर है तो सर इसका सेंटर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इरेगुलर आर्क और सर्कुलर, सर्कुलर आर्क में कहीं ना कहीं सेंटर है, वो एक किसी सर्कल का पार्ट है, पर इरेगुलर आर्क किसी सर्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो द शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इरेगुलर कर्व। सर आप देखो ये फ्रेंच कर्व है, ये तीन फ्रेंच कर्व आपके पास रखे हुए हैं, एक दो तीन, इतने टाइप के और भी टाइप के फ्रेंच कर्व होते हैं, तो इसको फ्रेंच कर्व कहते हैं। तो फ्रेंच कर्व का यूज क्या है सर? फ्रेंच कर्व का यूज है इरेगुलर कर्व्स को बनाने के लिए, ठीक है। बाकी रबर, रबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम के सिलेबस के लिए। रबर तो मेरे को पता नहीं है उतना अच्छे से, पर आपको पता होगा रबर हम मिटाने के लिए यूज करते हैं, हैं भाई कोई नहीं, मैं लिख दिया क्योंकि ये भी इंस्ट्रूमेंट है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो रबर यूज़ करते हैं ना इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए, तो वो रबर का नाम क्या, किस टाइप का रबर होता है, उस रबर को सेंट्रो रबर कहते हैं सर। वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ताकि पेपर पर पे मिटाए तो दाग जल्दी पूरा पूरा गायब हो जाए और पेपर को नुकसान ना दे, तो उसको हम सेंट्रो रबर कहते हैं, ठीक है। सेंट्रो रबर इज़ यूज फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है सर। तो सर अभी रबर तक ही रहने देते हैं, पेंसिल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर आपको बताऊंगा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसी को रिवीजन करते रहिए, और डेफिनेटली इसके बाद मैं आपको बेसिक साइंस का क्लास भी दूंगा और करंट अफेयर्स भी आपके करवा देंगे पूरा 1 साल का। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही रिविज़न करते रहिए, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, नमस्कार।